ये मेरा वो माइक एक्शन कैमरे का जो इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमने सारी चीज़ें निकाल ली है ये, तो इस मेमोरी कार्ड में जो है हमारे कैमरे की मेमोरी लगी हुई है, और यहाँ पर ये जो हमारे बोरिंग का काम हो चुका है कम्प्लीट हो चुका है। स्टाफ जो है अभी छुट्टी कर रहा है, ये नंगा खड़ा है और ये अंदर से पूरी धो दी है गाड़ी को, पूरा पानी पानी हो रहा है, ये नीचे देखिए। तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। पिछले कुछ दिनों से जो मैं वीडियो नहीं लगाया था उसके पीछे कोई रीज़न था, कोई काम था जिसकी वजह से जो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, और अब जो है मैं वर्कशॉप जाने के लिए रेडी होकर बैठा हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मेरे एक्शन कैमरे का माइक में कोई प्रॉब्लम है, उसको सही करते हैं, जुगाड़ करते हैं, फिर चलते हैं वर्कशॉप। ये मेरा वो माइक एक्शन कैमरे का जो इसमें लगा हुआ है, और एक्स्ट्रा नॉइस ना आए उसके लिए जो मैंने इसमें कपड़ा लगा रखा है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर जो मैंने माइक को पैक करके रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसमें एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं आती, लेकिन एक दिक्कत रहती है इस माइक में, और वो ये है कि इसमें जो है साउंड क्वालिटी जो बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसका इनिशो का जो साथ का माइक आया हुआ है मेरे एक्शन कैमरे का, वो एकदम घटिया क्वालिटी की उसकी साउंड क्वालिटी है, जैसा आप सुन चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में। आज मैं एक जुगाड़ करने वाला हूँ, जो इसका इनिशो का माइक है उसको काट के उसकी जगह मैंने दूसरा पहले पुराना मेरे पास माइक पड़ा है वो लगाऊंगा। पिन जो है इसकी, जो इनिशो वाली पिन है जो इसकी, वो वही मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि दूसरी पिन उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो हमने सारी चीज़ें निकाल ली है, ये वो वाला माइक है जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, जिसके आगे इस टाइप की पिन है, और ये वाला इस कैमरे में नहीं लगता है। टाइप सी का अगर कोई अडेप्टर लगाता हूँ तो उसमें सपोर्ट नहीं करता है। और ये वाला जो माइक है ये इनिशो का जो साथ में आया वो है, और ये वाली इसकी जो है पिन है आगे की टाइप सी, इसकी पिन काट के मैं इसमें लगाने वाला हूँ, और उसके बाद जो है साउंड क्वालिटी चेक करने वाला है। मैंने टेप ला के रख दिया और कैंची ला के रख दिया, पहले इसको जोड़ के देखते हैं फिर चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। इस मेमोरी कार्ड में जो है हमारे कैमरे की मेमोरी लगी हुई है, और इसके अंदर जो जुगाड़ हमने किया था वो सक्सेस हो गया है, और इससे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब जो है हम ये वाला माइक यूज़ करेंगे 150 रुपये वाला, जो कि 15,000 के कैमरे के साथ आने वाले से बेटर माइक है, ये किसी काम का नहीं, इसको हटा दो। उसमें जो लगा वो दूसरा माइक है मेरा, लेकिन है वो भी इनिशो का, उसको हटा देते हैं और अब जो है उसकी जगह इसको लगाते हैं। फिर अब जो है मोटो व्लॉगिंग में भी अच्छा साउंड आएगा, साथ ही साथ जो मैं दूसरे नॉर्मल व्लॉग भी शूट करूंगा उसमें जो कैमरे से जो मैं शूट करूंगा उसमें साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर आएगी। 150 रुपये का जो ये माइक है ये उससे बेटर आया है जो 15,000 के कैमरे के साथ आया है। ओके, हम आ चुके हैं अभी वर्कशॉप, और यहाँ पर ये जो हमारे बोरिंग का काम हो चुका है कम्प्लीट हो चुका है, हमारा पर्सनल बोरिंग है पानी के लिए। पुराने काम में ये एक गाड़ी बची है, ये गाड़ी जो बाद में आई हुई है, इसका आगे का शॉप पूरा हमने चेंज किया है, सेकंड हैंड डाला है, और कांच फ्रेम जो काट दी है दूसरी डालने वाला है इसमें। और पुरानी गाड़ियों में से एक स्कॉर्पियो बची है, एक ये मोहन की गाड़ी जो ये खड़ी है, एक ये मामा वाली, वो कादर मामा जो यहाँ के ऑनर है उनकी गाड़ी, उसके अलावा ये वाली जो शिफ्ट है ये नहीं आई थी, जिसको हमने पूरा टचिंग करके कम्प्लीट कर दिया है। यहाँ पर टचिंग करी है, इस दरवाजे में टचिंग थी, आगे का बम्पर जो नया डाला है, और पीछे वाला बम्पर जो रिपेयर किया है। आज शाम से पहले पहले ये गाड़ी जो हम निकाल देंगे, पहले हम इसका जो फिटिंग का काम करते हैं चालू। अब ये हमारे शिफ्ट की हो रही है अभी रबिंग, और फिटिंग पे जो इसके साइड मिरर वगैरह लगा दिए, फेंडर लाइनिंग वगैरह बाहर निकाल कर रख दिए, अब जो है इसकी ये फेंडर लाइनिंग वगैरह जो फिटिंग करेंगे। बैक लाइट जो है हमने नई लगाई है, वो वाली हमने डाल दी है नई, ये वाली पहले वाली जो इसकी टूटी हुई थी पीछे से। तो आज के दिन में जो है हमारा काम होने वाला था, जो शिफ्ट थी हमने कंप्लीट करके फ्री कर दी, और स्टाफ जो है अभी छुट्टी कर रहा है, ये नंगा खड़ा है। और आज जो गाड़ी का काम हुआ दूसरा, वो इस गाड़ी के आगे का जो बोनेट वगैरह फिटिंग कर दिया, और पीछे पूरी गाड़ी जलाने की तैयारी चलती थी लेकिन बच गई, पीछे जो एक दो पीस लगा दिए हैं, और उसके बाद जो है ये वाली शिफ्ट का कुछ भी नहीं हुआ। और ये वाली स्कॉर्पियो जो है इसका एक पीस लगाया, वो भी ये वाला जिसका डोर पैनल जो है उसके अंदर एक दरवाजे का पीस जो है वो पूरा सड़ा हुआ था वो लगाया, और वो वाली गाड़ी हमने अंदर से पूरा इंटीरियर क्लीन करके बाहर से पूरी टचअप करके जो भी उसमें काम बाकी था पूरा कर करा के कंप्लीट करके रवाना कर दी। और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि उसमें मैं अकेला लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा काम था इसलिए। और अब जो है हमारी खुद की जो शिफ्ट है उसको हम धो रहे हैं, और ये अंदर से पूरी धो दी है गाड़ी को, पूरा पानी पानी हो रहा है, ये नीचे देखिए अंदर से इंटीरियर पूरा धो रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी और मैली हो रही थी गाड़ी अंदर से, तो इसको धो रहे हैं पहले। इंजन भी धो दिया इसका,
बैटरी स्टैंड वगैरह यहाँ पे जो गंदगी लगी हुई थी सब साफ़ कर दी है। धोने के बाद इसके इंटीरियर पॉलिश करें और अंदर से जितनी भी है पूरी पॉलिश वॉलिश करके एकदम साफ़ करेंगे। इंजन वगैरह जो उस पर भी पॉलिश मार के एकदम बढ़िया चमकाएंगे, क्योंकि इसके जो है कल ग्राहक आने वाले हैं तो हम ये वाली गाड़ी जो बेच रहे हैं। तो अभी जो है शाम के 8 बज चुके हैं और हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर से हमने साफ़ सफाई तो कर ली है, लेकिन इसके अंदर से पॉलिश हमने नहीं करी अभी, ऐसे ही अंदर से धो के साफ़ कर ली है। इसकी पॉलिश वॉलिश जो है सुबह करेंगे। और आज का जो वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।